जो भी हो यार, यहाँ पे मेरे को जो है एक बंदा दिखता है, वो देखो कैसे उड़ के आ रहा है। अब यार पबजी में एक अपडेट आ रखा था जिसमें मरने के बाद आदमी जो है कई बार जिंदा हो सकता है, तो मैंने सोचा यार मैं भी इस अपडेट को खेलता हूँ, और खेलने के बाद जब मैं मरूंगा तो उसके बाद मैं वापस जिंदा हो जाऊंगा। और आई थिंक मैंने सुना था यार 2 से 3 बार इसमें जिंदा हो सकते हैं, तो मैं तो काफ़ी खुश हो गया था। मैंने सोचा अगर गलती से मैं एक आधा बार मर भी गया तो दूसरी बार जिंदा होकर फिर सारी की सारी टीम को ख़त्म कर दूंगा। बट मेरा इतना दिमाग काम नहीं कर रहा कि भाई अगर मैं किसी के तो मरने के बाद जिंदा हो सकता हूँ, तो जिसको मैं मारूंगा वो लोग भी जिंदा हो जाएंगे। एंड उसके बाद होगा क्या, मान लो मैं यहाँ पर किसी टीम को मारता हूँ 1v4 किया, और सोचो उसी समय वो वाली टीम जिंदा हो जाती है, तो भाई यहाँ पे दिक्कतें होने वाली है। तो चलो देखते हैं भाई क्या होता है ये वाले मैच में। और पहली बार खेल रहा हूँ मैं, अब वैसे ये सिर्फ लिविक मैप के लिए, तो मेरे को लग रहा था कि ये इरेंगल पे होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। पर जो भी है, यहाँ पे जो एक नीले कलर का कार्ड मिलता है जिसको अपने को कलेक्ट करना पड़ता है, और ये जो बंदा था यार ये अपनी टीम से बिल्कुल अलग इसीलिए घूम रहा था, इसको पता भाई मरने के बाद तो जिंदा हो जाऊंगा। वैसे मेरे को प्रोसेस नहीं पता कि कैसे होता है, लेकिन देखो अब इतने में एक टीममेट का कॉल आता है कि भाई वो जो है खतरे में है तो उसको बचा लो। बट मैंने सोचा यार किस प्रकार के खतरे में, क्योंकि अगर वो मर भी गया तो वो वापस जिंदा हो जाएगा। लेकिन फिर भी यार मैंने इस बंदे को अपने साथ रखा, और यहाँ पर हम एक जो है बहुत ही खतरनाक टीम के बीचों बीच फंस जाते हैं। वैसे उससे पहले जो है हमारा सामना होता है एक बंदे से जो कि यहाँ बहुत देर से कैंप कर रहा था, और जो भी उसको मारने के लिए आता था वो उसको मार देता था। लेकिन फाइनली इस बार जो है मैं आता हूँ, मैंने इतना लिविक खेला नहीं है, लेकिन ये बंदा जो है बहुत ही अजीब अजीब जगह पे छुपा हुआ था। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट ऊपर इसलिए आया क्योंकि मेरे को पता लग गया था कि अंदर की साइड से सीढ़ियाँ भी हैं, और इस बंदे को मार दिया। लेकिन जब मैं बाहर की साइड इस जगह पे अपनी गाड़ी पे वापस बैठने के लिए आया, तो यहाँ पे जो इतने सारे टीम आ जाते हैं मेरी गाड़ी को देख के, और उसके बाद जितने भी बंदों को मैं मार रहा हूँ वो जिंदा कैसे हो रहे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने के लिए यहाँ पे बटोरते जा रहा हूँ। और एट द एंड देखना पड़ेगा कि भाई ये वाले मैच अपन कितने किल कर पाते हैं। अब इतना मेरे को नहीं पता है कि भाई मरने के बाद जो है सामने वाला आदमी जिंदा कैसे होता है, लेकिन एक चीज़ मेरे को पता है भाई कि जिसको भी मारूंगा अगर उसको मैं फिनिश कर देता हूँ तो उसका किल जो है मेरे को मिल जाता है। उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या होता है उसके साथ। अब क्योंकि पीछे से जोन आ रहा था, तो यहाँ पे जो है सडनली बहुत ही सारे बंदे आ जाते हैं, और देखो जस्ट इतनी देर में मेरे टीममेट भी मारा जाता वहाँ पे। मैं सोच रहा था कि उसको बचाने जाऊँ, लेकिन इतने में बचाने का काम ही तमाम हो जाता है। और ऊपर से पता नहीं कहाँ से आ रहे थे ये बंदे, लेकिन आ ही जा रहे थे। फाइनली गन गोलियों की आवाज़ सुन के यहाँ पे इतने बंदे अट्रैक्ट होते हैं कि एक टाइम पे यहाँ पे जो है 25 से 26 बंदे एक ही जगह पे लड़ रहे होते हैं। मान लो मैंने उनको मार दिया तो भाई वो वापस जो है ऊपर से जिंदा हो के आ रहे थे। अब वो प्रोसेस मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि अगर मैं मरूंगा तो शायद मेरे टीममेट मुझे जिंदा कर देंगे, तो इसलिए मैं जो है यहाँ पे सबके बीच में फाइट कर रहा था। अभी 10 के करीबन किल हो चुके थे, और इतनी देर में ऊपर से एक और टीम आ जाती है, और मुझे नहीं पता ये जोन के बाहर क्यों आ रहे लड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक जो है बहुत सारे बंदे हैं तो इसलिए सब आ रहे हैं। और इतनी देर में जो बहुत तगड़ी वाली फायरिंग होती है, पर बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई अपने घर का भी कभी व्लॉग बनाओ, बट उसका तो नहीं बना सकता। एक वीडियो जरूर सजेस्ट करूंगा आपको, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे गांव के बारे में। इसमें अगर आपको मैं एक छोटी सी झलक दिखाऊं मेरे गांव की, तो यूं कुछ इस प्रकार से होता है मेरा गाँव। और इसमें जो मेरा गाँव बाहर से दिखता है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये देखो ये वाला, तो ये है तुम्हारे भाई का गांव, ये है अपने गांव का टावर। और इस वीडियो में मेरे घर के बारे में बताया गया, तो वो भी आप देख सकते हो। तो एक हिसाब से उसको आप व्लॉग समझ सकते हो मेरे द्वारा बनाया हुआ। ये वाली वीडियो का जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाके चेकआउट कर लेना। फिलहाल यहाँ पर जो मैं सबको भरता जा रहा था जो भी आ रहा था, और मेरे टीममेट मेरी आंखों के सामने मर जाते हैं, लेकिन उनको मैं बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे यार बहुत सारे लोग थे। और मैंने आपको बताया कि एक टाइम पे यहाँ पे 25 से 26 लोग आ जाते हैं, और हर तरफ से फायरिंग होती है।
वो सब भी हो रहा था भाई कहाँ, बिल्कुल जोन के बाहर। अब यहाँ पर भी इसलिए हो रहा था क्योंकि यहाँ पर पहले फायरिंग हो रही थी, सब लोग आए 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 और जमा होते गए, और सामने आप देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पर लोग जो है उतर रहे हैं एक के बाद एक। और यहाँ पर देखो मेरी टीम जिंदा होने के बावजूद, जोन में जाने के बावजूद फिर से पिट जाती है यहाँ पर, लेकिन देखो कैसे बचाते हैं इनको। अब यहाँ पे आपने मेरी टीम को देखा होगा जो कि बार बार मरने के बावजूद भी जिंदा हो रहे हैं, लेकिन अभी तक मैं जो है बिल्कुल भी नहीं मरा हूँ। और एक चीज़ के लिए मैं सिक्योर हूँ काफ़ी कि अगर गलती से मैं मर भी जाता हूँ तो शायद मैं जिंदा हो जाऊँगा, क्योंकि मैंने कभी भी ये चीज़ जो है ट्राई नहीं करी यार मैच में कि आप मरने के बाद भी जिंदा हो जाओ। अब यहाँ पर मेरी टीम तो ऑलमोस्ट मर चुकी थी, मतलब कुछ कुछ लोग जिंदा थे लेकिन इन पर मेरे को विश्वास था। और यहाँ पे फिलहाल देखो इनके दो बंदों को कैसे भरता हूँ, जैसे इसको मारा तो भाई यहाँ पे जो इसका एक और बंदा आता है, मैं काफ़ी ज़्यादा लो हेल्थ में था और इतने में इसका एक बंदा आके मेरे को नॉक कर देता। बट मैं यहाँ पे काफ़ी एकदम सिक्योर था क्योंकि मेरे को लगा कि मैं मरने के बाद जिंदा हो जाऊँगा, तो मैं उसके पास जाता हूँ और जैसे मैं मरा तो मेरे को लगा शायद मैं जिंदा हो जाऊँगा, लेकिन भाई ये तो मैं वाकई में मर गया। और मुझे नहीं पता यार क्या करना पड़ता है, लेकिन मैंने एक और मैच स्टार्ट किया। इस बार मैं क्या करूँगा, मैं जल्दी मरूंगा क्योंकि शायद मेरे सारे टीममेट मारे जा चुके थे और इसलिए जो है मैं जिंदा नहीं हो पाया। तो मुझे वैसे इतना पूरा रूल वूल नहीं पता, लेकिन फिर भी इस बार मैं जो है सबसे पहले मरने की ट्राई करूँगा। और इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने गन उठाई जहाँ पर मेरा टीममेट मरा था, देखो ये मेरा 3 नंबर का टीममेट मारा जा चुका है। अब इसको मैं बचाने के लिए आता हूँ यहाँ पर, और देखो फिर कैसे बचाते हैं इसको। जैसे उसको नोक किया तो आप देख सकते हैं यार इतनी देर में मेरा 3 नंबर का जो टीममेट है वो रिवाइव हो जाता है। और मैं भी ऐसा चाहता था यार कि मैं एक बार मरने के बाद जिंदा आ जाऊं, क्योंकि मैंने तो अभी तक ये फील ही नहीं किया कि ऐसा होता कैसे। फिलहाल इस बंदे को देखो कैसे भरते हैं, फिलहाल इस बंदे को मैंने पूरा का पूरा फिनिश किया, लेकिन इसके पीछे पूरी की पूरी टीम थी वहाँ पर, और मैं उनको मारने के लिए जाता हूँ। मारने के लिए होता था इसका टीममेट मेरे को, लेकिन इसको भी भर दिया। और इसके पास अच्छी खासी जो है मेरे को चीज़ें वीजें मिल जाती हैं। अब जैसे इसको मारा यहाँ पे जो है एक और टीम आ जाती है, और एक और टीम आने का मतलब है 12 बंदे हो चुके हैं यहाँ पे। जिस बंदे को मैंने अभी भी मार के फिनिश किया ना, इस बंदे का नाम याद रखना, इसको मैं इस मैच में इतनी बार मारूंगा लेकिन हर बार ये मरने के बाद जिंदा होकर वापस आ जाता है। और एट द एंड देखना यहाँ पे जो है क्या ही सीन होता है। फिलहाल यहाँ पे फाइनली तुम्हारा भाई यहाँ पे मारा जाता है, और जादू की तरीके से यहाँ पे पता नहीं कैसे लेकिन मेरे टीममेट मेरे को जो है वापस रिकॉल कर लेते हैं, और मैं उसी जगह पे विद गन्स यहाँ पे जो है फ्लाइट के थ्रू उतर जाता हूँ। फ्लाइट ही लगा लो इसको आप, और उसके बाद देखो कैसे भरते सबको। सबसे पहले मैंने इस ग्रोजा वाले को मारा और पूरा का पूरा फिनिश करता हूँ, और इसकी जो ग्रोजा और जो भी इसके पास भाई बहुत तगड़ा तगड़ा सामान पड़ा हुआ है इसके पास, सारा का सारा ले लेता हूँ। और उसके बाद देखो यहाँ पे पूरी की पूरी जितने भी टीमें हैं ऐसे भरते हैं उनको एक एक करके, देखो बस। ये जो 3 बंदों की टीम थी ये तो हो गई ख़त्म, और इस नाम के बंदे को भी जो है बहुत बार मारूंगा मैं, क्योंकि जितनी बार मैं इसको मार रहा था ये उतनी बार जिंदा होकर वापस आ रहा था। फिलहाल यहाँ पे बाकियों की बारी है, यहाँ पे इसी जगह पे मैं नॉक हुआ था, लेकिन इस बार मैं इतनी ओपन में नहीं जाऊँगा। और ये नागा नाम के बंदे को मैं अभी सेकंड टाइम मार रहा हूँ। फिलहाल यहाँ पे कई और ऐसे बंदे थे जिनको मैं बहुत 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 ज़्यादा बार मारता हूँ, क्योंकि वो बार बार आ रहे थे। और एट द एंड देखना होगा कि मेरे कितने किल होते हैं, और ये लूसीफर नाम के बंदे को भी कई बार मार चुका हूँ मैं। फिलहाल यहाँ पे एक और बंदा था सामने बिल्कुल, और
इस बंदे को भी आई थिंक दूसरी से तीसरी बार मार रहा हूँ, लेकिन सडनली यहाँ पे जो है जोन आ जाता है और अब सबके सब भागने लगे थे। एक बंदे ने मेरी गाड़ी उठाई, बिल्कुल भाग गया मेरी गाड़ी उठा के, और वो आप देख सकते हो उसको जाते हुए, लेकिन उसकी एक गाड़ी जो यहाँ पे फंसी हुई थी, मैंने सोचा यार इसको निकालने की ट्राई करते हैं, और बाद में मुझे पता चला कि भाई ये गाड़ी तो जहाँ मर्जी जाऊँ वहाँ घुस जाती है, तो इसको लेकर मैं यहाँ से निकल लेता। पीछे और भी बहुत सारे बंदे थे लेकिन अभी भी वो लड़ रहे थे आपस में, मैंने सोचा यार उनको लड़ने दो, हम यहाँ पर आते हैं। और जो अब जोन में रह चुके हैं अब बारी है उनकी, अब क्योंकि उनको भी जोन में आना था तो मैं यहाँ पे जो है जोन के अंदर आके कैंपिंग करने लग जाता हूँ, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि बंदे मेरे को दिख जाते दूर से ही। और देखो फिर, और मैंने आपको कहा था कि भाई इस बंदे का नाम याद रखना, दूसरी बार मर रहा है मेरे यहाँ को, मैं पूरा का पूरा फिनिश भी कर देता हूँ। अब आई थिंक ये दोबारा जो है जिंदा नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैंने इस बंदे को मारा, यहाँ से मैं निकल पड़ता हूँ, और इस जगह पर मैं जैसे पहुँचा तो भाई उसके बाद जो है तगड़ी वाली फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। मेरे को नहीं पता था मेरे पीछे बंदे हैं इसीलिए मैं बीच में उतरता नहीं, अदरवाइज खैर यहाँ पे मैं जैसे तैसे बच जाता हूँ। और बहुत हार्ड हो रहा है यार यहाँ पे भी खेलना, मतलब इतने सारे लोग। खैर अब देखो, अब जो भी हो यार यहाँ पे मेरे को जो है एक बंदा दिखता है, वो देखो कैसे उड़ के आ रहा है। अब जब मैंने इस बंदे को पहली बार उड़ते हुए देखा, मैं हिम्मत हार गया था, मेरे को लगा भाई जो हैकर इतना उड़ते हुए आ सकता है वो तो कुछ भी कर सकता है, तो मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे गिव अप कर दिया था। लेकिन जैसे उस बंदे को मारा तो बाद में मुझे जो है बाहर जाके पता चलता है कि इसके पास जो सूट है उसमें एक उड़ने की शक्ति होती है, एंड उसको पहन के आप उड़ सकते हो, तो दैट्स वाई जो है वहाँ पर मैं बच जाता हूँ। लेकिन अब जो मुझे मारने वाला, देखो इस बंदे का नाम आप अगेन जब इसने मेरे को मारा तो पढ़ सकते हो, ये वही बंदा है जिसको मैं ऑलमोस्ट 2 से 3 बार जो है मार चुका था ये वाले मैच में, लेकिन एट द एंड वही वाले बंदे ने आगे जाके मुझे जो है फिनिश किया, वो भी इसी मैच के अंदर। खैर जो भी हो, मज़ा आया ये वाले मोड में। शायद आप में से भी बहुत सारे लोगों ने इस मोड को पहले खेल लिया होगा, अगर तो आपने खेल लिया तो बताओ मेरे को अपने विचार यार कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वाला मोड कैसा लगा। एक बात के मतलब थोड़ा सा इसको मैंने इंजॉय तो किया, लेकिन यार जब इतने सारे बंदों को मारना होता है तो एक पल के लिए जो है यार आदमी थक ही जाता है, मतलब कितनों को मारा यार, मतलब एक बार मारा, दो बार मारा, तीन बार मारा, और तब भी जो है वो बंदे जिंदा हो के जोन के अंदर बैठ बैठ के कैंपिंग करके मार रहे हैं, तो उसमें जो है अपन क्या ही कर सकते हैं। लेकिन जो भी यार मज़ा आया ये वाले मैच में। खैर अगर आपको भी बढ़िया लगा और पहली बार आए हो, कभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो तुम्हारे भाई के चैनल को, लाल बटन दिख रहा होगा बस उसको प्रेस कर दो एक बार, और प्रेस करके मेरे को बताओ कि भाई आई सब्सक्राइब। बाकी मैं मिलता हूं ऐसे को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक केयर एंड बाय।